आज का ये संवाददाता सम्मेलन जो देश के अंदर विमर्श का विषय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो विचार चल रहा है वह नीट परीक्षा का मामला है और आज राष्ट्रीय जनता दल का समीक्षा बैठक भी है, तो हमारी उम्मीद यह है कि माननीय तेजस्वी यादव इस बात को स्पष्ट करें कि प्रीतम से प्रीत क्यों, प्रीतम से प्रीत क्यों है, यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी मनी चाहिए, कभी प्रीतम चाहिए, और सत्ता मिलते ही लूट का चोट जो होता है वो और नुकीला हो जाता है। हम यह जानना चाहते हैं कि अभी नीट परीक्षा के मामले में आर्थिक अपराध शाखा उसकी जांच कर रही है और स्वतः जांच है, यह जांच के लिए कोई सक्षम न्यायालय से या किसी विपक्ष के लोगों ने कोई आवेदन नहीं दिया। हमारी आर्थिक अपराध शाखा ईओयू इसकी जब जांच किया तो चौंकाने वाली बातें आई। चौंकाने वाली बातें यह है कि माननीय तेजस्वी यादव जी जो विपक्ष के नेता हैं उनके आज भी सरकारी आप्त सचिव हैं प्रीतम कुमार और उनके रिश्तेदार हैं सिकंदर यादवेंदु और उनका भगिना है, उसी परिवार से जुड़ा हुआ है, अभिनव कुमार। ये सिकंदर जो है नगर विकास विभाग के सिकंदर तेज के राजपाठ, आप मीडिया के लोग जानकर हैरत हो जाइएगा कि ये सिकंदर यादवेंदु जो व्यक्ति है नगर परिषद दानापुर के अध्यक्ष ने इनके खिलाफ आवेदन दिया नगर विकास विभाग को कि इनका आचरण सही नहीं है, तो इनकी सेवा जल संसाधन विभाग में वापस करने का आदेश निर्गत हो गया। परंतु माननीय तेजस्वी यादव जी जैसे ही नगर विकास विभाग के मंत्री बनते हैं उसकी सेवा वापस कर ली गई पुनः नगर विकास विभाग में, उन्हीं के परिवार के लोग हैं, यही एनएचआई के गेस्ट हाउस में ठहरे थे, भतीजा है जो भी, हाँ वो जो उन्हीं के परिवार के सदस्य को रिश्तेदार रखिए ना। और इतने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी इनको दी गई कि दानापुर बिहटा मसौढ़ी का प्रभार दिया गया और एक कनीय अभियंता की इतनी औकात राजनीतिक रसूख था कि पटना मेट्रो प्लानिंग पटना महानगर परियोजना में बुडको का भी इनको प्रभार दे दिया गया, जिसके खिलाफ नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव ने यह लिखा कि इनकी सेवा मूल विभाग जल संसाधन विभाग में कर दिया जाए, उसकी सेवा नगर विकास विभाग में माननीय तेजस्वी यादव जी के कार्यकाल में हुआ और उसको बुडको तक का प्रभार दिया गया। मैंने इतना बोझा उठाने वाले ही थे कि दानापुर बिहटा मसौढ़ी पटना मेट्रो लीडिंग पटना महानगर परियोजना में बुडको का भी प्रभार दिया गया। इसका मतलब साफ था कि ये सिकंदर थे नगर विकास विभाग के, बहुत रसूखदार थे और इनका नीट परीक्षा के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई। अब हमारा सवाल यह है कि माननीय तेजस्वी यादव जी आप हर एक घटना पर बोलते हैं, ट्वीट करते हैं, दिल्ली में रहते हैं तब ट्वीट करते हैं, कलकत्ता में रहते हैं तब ट्वीट करते हैं, लेकिन सिकंदर यादवेंदु की गिरफ्तारी के बाद आपका ट्विटर खामोश क्यों, आपकी जुबान बंद क्यों है, कौन है गुनाहगार? हर मुद्दे पर तो आप बोलते हैं लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दे जो छात्रों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है
उस सवाल पर आपकी खामोशी का राज क्या है, यह बिहार की जनता जानना चाहती है। और प्रीतम जो आपके आप सचिव हैं, उनके रिश्तेदारों की गिरफ्तारी हो रही है, तो आपको अपना नजरिया इस पर स्पष्ट करना चाहिए। और हम यह जानना चाहते हैं पूरे तौर पर, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी ने भी इसको स्पष्ट रूप से कहा है कि NHAI का गेस्ट हाउस कैसे उपयोग में लाया गया, तमाम मामलों की जांच कराई जा रही है और इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब तो बिहार EOU ने जो काम किया है, केंद्र ने भी उसकी रिपोर्ट मांगी, तो ये साफ तौर पर परिलक्षित होता है इसमें एक राजनीतिक साजिश के तहत बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, लेकिन कानून के जबड़े में अब ये फंस गए हैं। गिरफ्तारियां प्रारंभ हो गई हैं, हम आज समीक्षा बैठक है राष्ट्रीय जनता दल का, हम यह जरूर जानना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी मौन क्यों हैं? तेजस्वी यादव जी, आपका सिकंदर यादविंदु से आपका रिश्ता क्या है? प्रीतम के वो रिश्तेदार हैं और इतने रसूखदार अगर प्रीतम के बदौलत वो थे कि नगर विकास विभाग के आप माननीय मंत्री थे और उस समय इनको विभिन्न मसौढ़ी नगर परिषद का भी का और ये दानापुर नगर परिषद का इनको प्रभार दिया गया और फिर बुडको का भी प्रभार दिया गया, प्रधान सचिव ने इनकी सेवा वापस करने की बात कही थी, तो ये सीधे तौर पर बताता है कि नगर विकास विभाग के जब आप मंत्री थे तो ऐसे भ्रष्ट लोगों को राजनीतिक संरक्षण देकर के एक कनीय अभियंता को इतना रसूखदार बनाया गया जिसकी गिरफ्तारी नीट जैसे संवेदनशील मामले में हुई है। और साथ ही साथ हम यही आपसे अनुरोध करेंगे कि तेजस्वी यादव जी जुबान खोलिए, प्रीतम से रिश्ता उसका क्या है? और ये तीन लेयर का मामला है, प्रीतम आप सचिव हो गए, सिकंदर यादविंदु उनके परिजन हो गए और उसके बाद अभिनव अनुराग, ये क्या नाम है, अनुराग ये तीनों का क्या संबंध है? अन्योन्याश्रय संबंध है, इसलिए हमारी उम्मीद है कि तेजस्वी यादव समीक्षा बैठक में जरूर इस बात पर भी अपना मंतव्य रखें। राष्ट्रीय जनता दल को यह हम स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव जी के प्राइवेट सेक्रेटरी प्रीतम है, क्या तेजस्वी यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी प्रीतम के रिश्तेदार सिकंदर यादविंदु हैं, क्या यह सही है कि जल संसाधन विभाग में सिकंदर यादविंदु की सेवा वापस करने का प्रधान सचिव ने आदेश दिया था, उस आदेश को निरस्त करके आखिर वह कौन अज्ञात ताकत थी उसके पास कि पुनः जिस पर आरोप दानापुर नगर परिषद के चेयरमैन ने लगाया, जिसके आलोक पर प्रधान सचिव ने कार्रवाई किया, पुनः उनको नगर विकास विभाग में कैसे लाया गया? और अगर लाया गया तो उनको मसौढ़ी दानापुर बिहटा मसौढ़ी का प्रभार आप दे रहे हैं, मेट्रो का प्रभार दे रहे हैं, बुडको का प्रभार दे रहे हैं, जिस पर अनियमितता के चलते सेवा वापस लेने का, ये तो राजनीतिक सवाल है। इस सवाल का तो जवाब माननीय तेजस्वी यादव जी को देना चाहिए और ट्वीट करिए ना, ट्वीट पर ही जवाब दीजिए आप। जांच की प्रक्रिया तो चल रही है, जेल भी गए हैं, लेकिन इनका जो संबंध है, राजनीतिक संबंध है, रसूख जो है, रसूख बढ़ाने में आपकी बड़ी भूमिका है। जब आप नगर विकास मंत्री बनते हैं तभी ये सारी सुविधाएं इनको मिलती है, डॉक्यूमेंट्री फैक्ट है, इसको कहां इग्नोर करिए। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को यह अनुरोध करना चाहिए समीक्षा बैठक में कि हमारे नेता पर आरोप, आपके नेता पर आरोप है, इसलिए वो स्पष्ट करें। सर, NHAI से रजिस्टर जो है 1 घंटे के अंदर गायब हो जाता है, अब इसके बारे में औपचारिक जानकारी, लेकिन कब तक, कहां तक बचिएगा? CCTV कैमरा से लेकर सब कुछ रहता है, अब वो वैज्ञानिक अनुसंधान का दौड़ है,
कोई रजिस्टर लेकर गायब हो जाइएगा, कानून का जबड़ा कैद हो जाइएगा।